हेलो फ्रेंड्स, कुक विद टेस्ट चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बनाएंगे नारियल की चटनी, तो आइए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए पैन में एक बड़ा चम्मच कुकिंग ऑयल डालेंगे। ऑयल जैसे ही गर्म हो जाए, हम इसमें दो छोटे चम्मच चने की दाल डाल देंगे। चने की दाल को पहले अच्छे से धो लें, सुखा लें और उसके बाद यूज़ करें। कुछ सेकेंड के लिए हम दाल को भून लेंगे। अब हम इसमें दो बड़े चम्मच मूंगफली के दाने डाल देंगे और इन्हें भी भून देंगे। अपनी चटनी का टेस्ट बढ़ाने के लिए हम इसमें अदरक और हरी मिर्च डाल देंगे और कुछ सेकंड के लिए इन्हें पकाएंगे ताकि इनका भी कच्चापन चला जाए। आधा छोटा चम्मच हम इसमें जीरा डाल देंगे। अब हम इसमें अपना कटा हुआ नारियल डाल देंगे। इस तरह रोस्ट करके बनाने से चटनी बहुत ही टेस्टी बनती है। कुछ सेकंड के लिए नारियल को भी हम भून लेंगे। अब गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे हम ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद हम इसे ग्राइंड करेंगे। ग्राइंड करने के लिए ग्राइंडिंग जार में डालेंगे, स्वादानुसार नमक डाल देंगे और आवश्यकतानुसार पानी डालकर हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, कितनी बढ़िया नारियल की चटनी हमारी रेडी है। इसका टेस्ट बढ़ाने के लिए हम इसके ऊपर तड़का लगाएंगे। एक चम्मच कुकिंग ऑयल जैसे ही गर्म हो जाए, एक दो पिंच हींग डाल देंगे। आधा छोटा चम्मच हम इसमें सफ़ेद उड़द दाल डाल देंगे और दाल को हम अच्छे से भुनने देंगे ताकि दाल हमारी कच्ची ना रह जाए। आधा छोटा चम्मच हम इसमें सरसों डाल देंगे और सरसों को भी अच्छे से चटकने देंगे ताकि सरसों हमारी चटनी खाने पर कड़वी ना लगे। अब हम इसमें दो साबुत लाल मिर्च डाल देंगे। तड़का हमारा रेडी है। गैस की फ्लेम को बंद करेंगे और इस बढ़िया से तड़के को हम अपनी चटनी के ऊपर डालेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, कितनी बढ़िया नारियल की चटनी बनकर हमारी रेडी है। आप इसे इडली, डोसा, किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, रेसिपी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।